दोस्तों, क्या आने वाले सीजन के अंदर आप लद्दाख का एक ऑफबीट ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हो और इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हो कि लद्दाख के अंदर कौन कौन से ऑफबीट प्लेसेस हैं जो अभी तक अनटच्ड हैं, जहां पे कम दुनिया जाती है, कम टूरिस्ट जाते हैं, जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो? या फिर दोस्तों, आप उन लोगों में से हो जिन्होंने मेरी लद्दाख की वीलॉग सीरीज जो सितंबर 2023 की थी उसको देख लिया है और उस सीरीज में जो मैंने ऑफबीट प्लेसेस कवर करे हैं उसको बिल्कुल आप रेप्लीकेट करना चाहते हो, उसको फॉलो करना चाहते हो? तो ये वीडियो जो है आप सभी के लिए है। इस वीडियो के अंदर अपनी लद्दाख ऑफबीट ट्रिप की जो आइटनरी थी उसको पूरा समराइज करूंगा और साथ में बताऊंगा कि अगर आपको उसको मॉडिफाई करना है, कस्टमाइज करना है, तो आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो या फिर आप बाकी के जो प्लेसेस हैं वो कैसे ऐड कर सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो, नमस्ते और जुले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स है उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूँ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं समरी वर्जन की। जो मेरी आइटनरी थी लद्दाख ऑफबीट ट्रिप की, उसका डे बाय डे आपको एक समरी वर्जन देता हूँ कि कहाँ कहाँ मैं गया था, कैसे कैसे गया था, कहाँ पे मैं रुका था, किन होटल्स में रुका था, किन लोगों के साथ रुका था। उसके बाद हम चलेंगे कस्टमाइजेशंस पे, जो कि मुझे लगता है 100% रिक्वायर्ड होंगी मोस्टली लोगों के केसेस में, क्योंकि मैंने अपनी इस सितंबर लद्दाख 2023 की जो ट्रिप थी उसमें पैंगोंग लेक और नुब्रा वैली नहीं करा था। मैंने बाकी के जो रूट्स हैं, जो प्योर चांगथांग का रीजन है लद्दाख का, उसको एक्सप्लोर करा था। तो इसमें अगर हम सबसे पहले दिन की बात करें तो भाई मैं फ्लाई करके ले पहुंचा था। दिल्ली से हमने फ्लाइट ली थी सुबह सुबह और हम सीधा पहुंचे थे ले, जहां पे हमने एक्मटाइज करा पूरे दिन। अब जो दिल्ली से ले की फ्लाइट थी उसमें जो हमने टिकट्स लिए थे वो राइट साइड के लिए थे और सूरज जो है बिल्कुल चमक रहा था राइट साइड से, तो जो शॉट्स हम कैमरे में कैप्चर करना चाहते थे वो कर नहीं पाए थे। इसलिए जब भी आप दिल्ली से ले की फ्लाइट ले रहे हैं सुबह की, तो आप अगर लेफ्ट साइड की विंडो सीट लेंगे तो आपको बेहतर नज़ारे मिलेंगे, क्योंकि सूरज जो है सीधा आंखों में नहीं पड़ रहा होगा, सूरज आपके कैमरे में नहीं आएगा, तो आप बेटर शॉट्स या वीडियोस जो है वो कैप्चर कर पाएंगे। एक बार आप ले पहुंच जाएंगे तो पहला दिन जो है फ्लाइट से जाने के बाद में आपको पूरी तरह से एक्लिमेटाइजेशन करना होता है, क्योंकि आप हाई ऑल्टीट्यूड पे गए हो। और अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हो तो मैं बार बार ऑलमोस्ट हर वीडियो के अंदर रिपीट करता रहता हूँ कि भाई एक्लिमेटाइजेशन जो है लद्दाख ट्रिप का एसेंस है, बेस है। अगर आपने एक्लिमेटाइजेशन नहीं करा तो लद्दाख ट्रिप खराब होने के पूरे पूरे चांसेस हो सकते हैं। छोटी मोटी साइट सीइंग अगर आपको करनी है, थोड़ा हल्का वुल्का वॉक करना है, तो वो आप कर सकते हो। थोड़ा मार्केट विजिट कर सकते हो शाम को, तरह तरह के जूसेस हो गए, ORS हो गया, पानी हो गया इन जनरल, वो आप पीते रह सकते हैं अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में। हम ले में जाके होटल गंगबा जो है उसमें रुके थे, उसका डिटेल्ड रिव्यू जो है इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं होटल गंगबा सर्च करके। तो पहले दिन हमने दिल्ली से लेगी फ्लाइट ली, होटल गंगबा गए, वहां पे जाके कुछ रिफ्रेशमेंट्स वगैरह लिए, थोड़ा सा रेस्ट करा। फिर दोपहर का जो लंच है वो हमने तिब्बतन किचन, जो रेस्टोरेंट है ले में, काफी फेमस रेस्टोरेंट है, ऑथेंटिक जो लोकल कुजीन है लद्दाखी कुजीन, वो आप एंजॉय कर सकते हैं उस रेस्टोरेंट के अंदर। फिर हम वहां से वापस आए, थोड़ा और रेस्ट करा और शाम को हम गए ऊपर शांति स्तूपा। शांति स्तूपा पे जाके हमने सनसेट एंजॉय करा, जो रात में टिमटिमाती हुई लाइटें दिख रही थी ले टाउन की, उनको एंजॉय करा और फिर वापस होटल गंगबा में आके रेस्ट करा। अब जो दूसरा दिन था उसमें हमने शाम वैली की साइट सीइंग करी। जब आप ले से कारगिल की तरफ जा रहे होगे तो शाम वैली वहां पे आता है और शाम वैली के जो प्लेसेस हैं, सबसे पहले गुरुद्वारा पत्थर साहिब आता है, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक हिल आपको मिलेगा। मैग्नेटिक हिल करने के बाद हम गए निमू के कॉन्फ्लुएंस पे, जहाँ पे इंडस और जंस्कार रिवर जो है दोनों बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत नजारे के साथ में मिलती हैं। तो आप ऊपर से ही जो अपना श्रीनगर ले वाला हाईवे है वहीं से नीचे का व्यू देख सकते हैं, फोटोज क्लिक कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। आगे बाजगो का फोर्ट है, वहां पे रियून्स जो है बाजगो फोर्ट के वो आपको मिलेंगे, वहां पे कई सारी पिक्चर्स या फिल्म्स वगैरह की शूटिंग भी हुई है। जब आप बाजगो विलेज को पार कर जाओगे तो ऊपर की तरफ जब टर्न आएगा, वहां से जब आप बाजगो विलेज का व्यू लोगे, बहुत ही अल्टीमेट और बहुत ही सुंदर व्यू आता है वहां से। वहां से आप आगे जाएंगे तो एक रोड आएगा जो बिल्कुल नाक की सीध में चल रहा होगा और आपको ऐसा लगेगा भाई एरो की तरह ये रोड जो है पूरी वैली को कट कर रहा है, बहुत ही सुंदर नजारा आता है। अगेन वहां पे बहुत सारे एड शूट्स, फिल्म शूट्स वगैरह होते रहते हैं, तो आप वहां पे रुक के भी कुछ क्लिक्स वगैरह कर सकते हैं। ऐसे ही आप आगे चलते जाएंगे तो एक ससपोल ब्रिज आएगा, जहां से आप लेफ्ट ले लेंगे तो आप अलची मोनेस्ट्री पहुंच जाएंगे और वापसी की
जर्नी जो है लेह की तरफ स्टार्ट कर सकते हैं। अलची और नींबू के बीच में लिकिर मोनेस्ट्री भी आता है, आप लिकिर मोनेस्ट्री विजिट कर सकते हैं, बट हमने नहीं करी थी, हमने अलची और लिकिर दोनों स्किप कर दिया था। बट हमने क्या किया था, हमने एक नया शॉर्टकट ढूंढा जो कि अपना नींबू विलेज से स्टार्ट होता है और सीधा गुरुद्वारा पत्थर साहिब पे निकलता है, तो जो बाकी के साइट सीइंग है वो स्किप हो जाता है। तो इसलिए आप जाते हुए साइट सीइंग करते हुए जाएं, आते हुए वो शॉर्टकट वाला रूट ले सकते हैं। चंबा जी हमें अपने घर ले गए थे, वहाँ पे उन्होंने खाना खिलाया और रात जो है हमने होटल गंगा में ही स्टे करा। अब तीसरे दिन से जो आइटनरी है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जनरली लोग नूपरा वैली जाते हैं, पैंगोंग जाते हैं, बट दोस्तों मैं बहुत बार जा चुका हूँ ये सारे प्लेसेस, तो इस बार मेरा बिल्कुल मन नहीं था उस साइड एक्सप्लोर करने का। दिन भी कम थे क्योंकि मेरे को वापस अमेरिका भी आना था, फ्लाइट थी, थोड़ा एक आध दिन का मुझे बफर भी चाहिए था। तो मैंने सोचा कि यार इस बार चांगथांग का रीजन जो है और वहाँ के जो रिमोट रूट्स हैं, ऑफबीट रूट्स हैं या ऑफबीट कुछ विलेजेस हैं जो मुझे पता चली थी वो एक्सप्लोर करते हैं। अब केन भाई ने खोज करी एक बिल्कुल ऑफबीट प्लेस की जो कि मेरे जैसे लोगों के लिए बिल्कुल रेजोनेट करता है, जहाँ वो जाना चाहते हैं लद्दाख जाके, तिरिदो नाम का गांव। तिरिदो और तिरिफू दो विलेजेस हैं जो कि अपना चांगथांग वाला जो प्लेटू है उसी साइड पे पड़ती है, ईस्टर्न लद्दाख में पड़ती है। तो तीसरे दिन की जर्नी हमने लेह से स्टार्ट करी और हमने जो रूट पकड़ा वो पकड़ा जो सोमोरी की तरफ जा रहा है रूट, क्योंकि वहीं पे ये जो तिरिफू और तिरिदो विलेजेस हैं वो लोकेटेड हैं। बट बीच में भाई बड़ी सारी मोनेस्ट्रीज आती हैं इस रूट के ऊपर, तो अब सारी मोनेस्ट्री तो कर नहीं सकते थे, तो हमने क्या किया, हमने स्टोक पैलेस को स्किप कर दिया जो सबसे पहले आता है। फिर उसके बाद हम पहुंचे थिक्सके मोनेस्ट्री पे। थिक्सके मोनेस्ट्री से ऊपर आप जब जाएंगे तो व्यूज बहुत ही अमेजिंग व्यूज आते हैं, ऑलमोस्ट आप 300 डिग्री से ज्यादा के व्यूज ऊपर टॉप टेरेस पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम लिकिर मोनेस्ट्री से आगे बढ़ गए। अब जैसे ही आप लिकिर मोनेस्ट्री से आगे जाएंगे तो राइट साइड पे आपको स्तकना मोनेस्ट्री एक हिल टॉप पे बनी हुई दिखेगी, आपको विजिट करना है कर सकते हो। हेमिस वाला डायवर्जन लेके आप हेमिस मोनेस्ट्री भी विजिट कर सकते हो। हमने स्किप कर दिया था क्योंकि लेट हो रहा था और हमें तिरिफू विलेज जो है वहां पे पहले पहुंचना था, क्योंकि वो एक नई खोज थी जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी मुझे। तो हम वहां से आगे बढ़े, उपशी का चेक पोस्ट आया जहां पे हमने पुलिस की एंट्री करी। चेक पोस्ट पे आपको एंट्री करनी पड़ती है उपशी पे, फिर वहां से हम अपना चुमाथांग की तरफ निकल गए। बीच में एक लिक्चे नाम की विलेज आई थी जो नाम आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, भाई बड़ा ही अच्छा स्पॉट है, आप वहां पे थोड़ा पिकनिक टाइप की फील ले सकते हैं। फिर उसके बाद में अपना थोड़ा सा ही डिस्टेंस रह जाता है तिरिदो विलेज का, तिरिदो चले जाइए जहाँ पे आप चो हाउस नाम का एक होम स्टे है वहाँ पे रुक सकते हैं जहाँ हम रुके थे। चो हाउस का डिटेल्ड रिव्यू जो है इस चैनल के ऊपर डला हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो मैं चो हाउस की डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। वहाँ से आंगो जी जो देचन जी की सिस्टर हैं वो हमें तिरिफू विलेज लेके गई। अब तिरिदो और तिरिफू ये दो विलेजेस हैं, तिरिदो विलेज जो है वो लोअर ऑल्टीट्यूड पे है जो आपको हाईवे से थोड़ा सा जैसे ही आप ब्रिज पार करेंगे तो आप तिरिदो विलेज पे पहुंच जाएंगे। वहां पे ही चो हाउस है तिरिदो विलेज के अंदर, वहां से ऊपर 11 किलोमीटर दूर आपको पहाड़ियां चढ़ के जाना पड़ता है जहां पे जो मोनेस्ट्री है वहां पे जरूर जाइएगा और कॉन्ट्रीब्यूट जरूर करिएगा उस मोनेस्ट्री में। मैं बोलूंगा बहुत ही एंशियंट अशोका के जमाने के टाइम की वो मोनेस्ट्री है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। तिरिफू विलेज अपने आप में भाई पूरा गाँव जो है बहुत ही सेरीन काम अच्छे व्यूज देने वाला है जहां आपको बहुत मजा आएगा। तो हमने हाफ डे जो है पूरा तिरिफू में मनाया, शाम पूरी तिरिफू में मनाई। खाना बहुत ही अमेजिंग था चो हाउस के अंदर, जो लंच था लाजवाब। ब्रेकफास्ट का तो मैं अभी भी फैन हूँ, आज भी मेरे मुंह में पानी आ जाता है वापस वो खमीर सोच सोच के आंटी के। अब जो चौथे दिन की जर्नी है वो हमने स्टार्ट करी तिरिदो विलेज से और टारगेट था हम हानले में जाके रुकेंगे। बीच में बहुत ही बेहतरीन सीन्स आते हैं, जैसे ही आप माहे ब्रिज जो है उसको क्रॉस करते हो, तो माहे ब्रिज का सिग्निफिकेंस ये है दोस्तों कि माहे ब्रिज से आप चेक पोस्ट पे पहले एंट्री करवाते हो कि आप कहाँ पे जा रहे हो, फिर उसके बाद अगर आप ब्रिज पार करके दूसरी साइड राइट साइड पे चले जाएंगे हाईवे से तो आप सोमोरी लेक की तरफ चले जाएंगे। बट हमें सोमोरी लेक किसी और रूट से करना था तो हमने सीधा हाईवे को फॉलो करा, माहे ब्रिज को क्रॉस करा। एंट्री करने के बाद में न्योमा विलेज आया, वहां पे हमने खाना खाया और फिर हम गए लोमा। लोमा चेक पोस्ट है, वहां पे फिर से आपकी एंट्री होगी और लोमा पे आप राइट ले सकते हो जहां से आपको हानले का रूट मिलेगा जो कि और 50 किलोमीटर दूर है वहां से। अगर आप लोमा से सीधे सीधे चलते जाएंगे तो वही रास्ता आपको पैंगोंग लेक पे मिला देगा जाके, बट हमें हानले जाना था तो हमने वो रूट फॉलो करते हुए हानले चले गए।
जब भी आप हिमालय में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ। हाल में हम सोनम जी के पास रुके, सोनम गेस्ट हाउस, पद्मा गेस्ट हाउस, पद्मा होम स्टे, आपने डिफरेंट डिफरेंट नाम सुने होंगे। सबसे पुराना होम स्टे, सबसे पुराना गेस्ट हाउस है वहां का, जहां पे आपको वेस्टर्न टॉयलेट्स भी मिलेंगे। अब सोनम जी अपने बहुत पुराने मित्र हैं, शायद 2011 में मैं सबसे पहले हानले पहुंचा था, वही तब से लेके आज 13-14 साल हो गए हैं हमें एक दूसरे को जानते हुए, बहुत ही क्लोज मित्र हैं मेरे। अब काफ़ी एक्सपैंड कर लिया है सोनम जी ने, काफ़ी सारे रूम्स वगैरह बना लिए हैं, काफ़ी सारों में अटैच टॉयलेट्स वगैरह भी लगा दिए हैं। अब बड़े बड़े ग्रुप्स भी आते हैं उनके पास में बाइक्स वाइक्स के, तो आप उनसे बात बात करके जाइएगा, बुकिंग वुकिंग काफ़ी कम मिलती है सोनम जी की। सोनम जी और उनके परिवार ने बहुत सारे अपडेट्स में सपोर्ट करा है, आज भी करते रहते हैं सोनम जी। हमेशा कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले मेरे पास वॉइस मैसेज आया होता है कि धीरज भाई अभी अभी जैसे न्योमा में जो पेट्रोल पंप खुलने वाला है उनकी फोटोज़ वोटोज़ भेजी हैं उन्होंने, अगली बार उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे और समझेंगे कि उनकी जर्नी किस तरह से रही है इस हानले रिमोट एरिया में। अब यहाँ पे थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो सब वीलॉग में आपको मिल जाएगा, बट पाँचवा दिन जो था वहाँ पर हम हानले से हमने सुबह सुबह स्टार्ट करा, शॉर्टकट वाला रूट लिया जो कि अपना पद्मा होमस्टे से आगे जाके थोड़ा सा रिवर क्रॉसिंग आपको करनी होती है, हानले रिवर जो बह रही है वो पार करके सामने की साइड पे एक रूट जा रहा है वो फॉलो करते कराते हम नुरबुला टॉप को पार करते हुए मेन हाईवे पे मिले। वहां से हम चिसुमेल गए और चिसुमेल से उमलिंगला पास चढ़ गए। उमलिंगला पास पे आप कम टाइम स्पेंड करिएगा दोस्तों, ज्यादा टाइम स्पेंड मत करिएगा क्योंकि एएमएस होने का खतरा हो सकता है, तबीयत एकदम से बिगड़ सकती है। हमारे सामने ही एक टूरिस्ट ऑलमोस्ट कोलैप्स हो रहा था तो उसको जल्दी से रश करके नीचे ले जाया गया, तो इसलिए 10-15 मिनट से ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करिएगा, जल्दी से फोटोज़ वीडियोस क्लिक करके अपना नीचे की जर्नी वापस स्टार्ट कर दीजिएगा। वापसी में हमने फोटीला वाला रूट लिया, फोटीला वाला रूट चढ़ाई जो थी ना भाई उसकी चढ़ाई बहुत ही स्टीप थी, तो बिल्कुल एक या दो गियर में ही गाड़ी चल पा रही थी, बाइक भी ऐसे ही चल रही थी। बट अच्छी बात ये है कि चढ़ाई चाहे स्टीप हो पर जो रोड है वो बिल्कुल बढ़िया बना हुआ है, तार्ड रोड है पूरा का पूरा हानले तक। अब हानले में आके फिर हमने नाइट स्पेंड करी, रात का स्काई देखा। स्काई में सबसे अच्छी बात ये रही कि इस बार टेलीस्कोप्स बांटे गए हैं गांव के अंदर हानले में, तो बड़े बड़े टेलीस्कोप्स हैं, आप रात में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। एक हॉलीडे इन वाले के पास में है तो आप हॉलीडे होम स्टे पे रुके हुए हैं या फिर आप कहीं भी रुके हुए हैं आप वो हॉलीडे इन होम स्टे पे जा सकते हैं, उनके पास में एक टेलीस्कोप है जो आपको हानले का नाइट स्काई वगैरह है वो दिखाएगा। आप हानले मोनेस्ट्री विजिट कर सकते हैं, हानले ऑब्जर्वेटरी विजिट कर सकते हैं। छठा दिन जो था हमारा, हमने एक नया ऑफ बीट रूट जो था वो एक्सप्लोर करना था। छठे दिन हम गए दो ऑफ बीट लेक्स, रियूलसो और चिलिंगसो, इन्हें क्यूसो 1 और क्यूसो 2 भी कहा जाता है, उनको एक्सप्लोर करने। तो हानले से एक पीछे पीछे रूट जाता है जो चुमूर की साइड जाता है और चुमूर से आप सीधा सोमोरी जा सकते हो। तो हमारा प्लान यही था छठे दिन का कि हम हानले से निकलेंगे, दोनों लेक्स को विजिट करेंगे। तो जो पहली लेक है रास्ते में वो आती है अपनी रियूलसो लेक, जिसको आप जब सामने देखेंगे तो सामने ही मिल जाएगी, क्यूसो 1 उसे कहा जाता है। वहां से आप राइट साइड की तरफ जाएंगे तो एक रास्ता है बिल्कुल टूटा फूटा जो थिट जोरबिटला पास होते हुए न्योमा पे मिलता है जाके, और फिर आप वहां से ले जा सकते हो या सोमोरी जा सकते हो, वो रूट भी ले सकते हो, पर बहुत ही गंदा रूट था, लोकल्स ने भी मना करा था उस रूट पे जाने के लिए। और जिस रूट पे हम चल रहे थे वो रूट तो और भी माशाल्लाह था, है ना, तो इसलिए हमने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया कि हम थिट जोरबिटला पास से वहां न्योमा जाए और वहां से सोमोरी जाए। हम आगे तक गए, चिलिंगसो विजिट करी, चिलिंगसो बहुत ही सुंदर लेक है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मेरे को पैंगोंग लेक से सोमोरी लेक से भी ज्यादा सुंदर लगती है क्योंकि कलर बहुत ही अद्भुत कलर है। उसके बाद हम वापस आए उसी पॉइंट पे जहाँ पे आपको रियूलसो दिखती है, वहीं से रास्ता जा रहा है सलसल्ला पास की तरफ। फिर सलसल्ला पास करते हुए हम पहुंचे चुमूर विलेज के पास में, चुमूर वहां से जहां हम पहुंचे थे 3 ही किलोमीटर दूर था, बट तबीयत बहुत खराब थी तो चुमूर तो नहीं जा पाए, आई थिंक गलती हो गई मुझसे, चाहे तबीयत खराब थी बट स्टिल हम आधा पौना एक घंटा निकाल के चुमूर जरूर विजिट कर सकते थे, इस बार मिस हो गया बट अगली बार सही। चुमूर से फिर आगे बढ़े हम, रोड एकदम ताड मिला और हम पहुंचे सोमोरी लेक। छरछंगल ला पास आता है बीच में चुमूर और सोमोरी के बीच में, जहां से लेक जो है दिखनी स्टार्ट हो जाती है, भाई अल्टीमेट व्यूज आपको मिलने वाले हैं, ऐसे व्यूज आपने सोमोरी लेक के नहीं देखे होंगे अगर आपने ट्रैक नहीं करा है सोमोरी लेक का। तो ये करते कराते हम पहुंचे सोमोरी लेक पे, वहां पे हमने डिसाइड करा कि यार हम नहीं रुकने वाले, कायदे से आपको सोमोरी लेक पे रुक जाना चाहिए अगर आप इस रूट को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 4:30-5 बजे वहां पहुंचे थे। फिर अंधेरे में गाड़ी चलाते चलाते
हम वापस पहुंच गए तिरिदो विलेज और चो हाउस में जाके हमने स्टे करा। अब जो सातवां दिन था वो आराम का दिन था, तो सुबह सुबह हमने ब्रेकफास्ट करा चो हाउस के ऊपर। आंटी जी को बोला कि खम्बीर वापस बना दीजिए क्योंकि खम्बीर सैंडविच बहुत पसंद आया था। वो खाने के बाद में हम चले गए ले। ले में मैराथन चल रहा था तो कुछ रोड्स वगैरह बंद हुए थे, तो हमने फिर एक ऑल्टरनेट रूट लिया और ले में जाने के बाद में हम होटल गंगमा में रुके और वहीं पे हमने नाइट स्टे करा। अब जो शाम थी भाई वो पूरी ऑलमोस्ट हाफ डे से ऊपर था क्योंकि 3 घंटे में ही पहुंच गए थे ले। सबसे पहले हम गए शेफ्स किचन, जो एक और रेस्टोरेंट है मार्केट, मेन मार्केट के अंदर ले की, वहां पे हमने खाना खाया। इस वाले रेस्टोरेंट से जो व्यूज है ले मेन मार्केट के और जो ले पैलेस है उसके बहुत ही सुंदर आते हैं। सर्विस बहुत स्लो थी यहाँ पे, तो सर्विस का आप ध्यान रखिएगा, टाइम निकाल के जाइएगा। फिर उसके बाद शाम को हमने ले में शॉपिंग वगैरह करी, अगले दिन के लिए तैयारी करी और फिर 8वें दिन हमने फ्लाइट पकड़ी और वापस दिल्ली आ गए। और वापसी में हमने ये गलती नहीं करी, वापसी में जो हमने विंडो सीट ली वो हमने ली राइट साइड की, क्योंकि अब डायरेक्शन उल्टी थी तो भी हमने राइट साइड की ही विंडो सीट बुक करी। को अगर पेंगोंग लेक विजिट करना है या नुब्रा वैली विजिट करना है तो वो आप इसमें कैसे कर सकते हैं, या फिर आप बाय रोड आ रहे हैं तो आप क्या आइटनरी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सारी तरह की आइटनरीज तो मैं नहीं कवर कर पाऊंगा इस वीडियो में और बहुत लंबा हो जाएगा, बट जो एक बेसिक आइटनरी है मैं अज्यूम कर लेता हूँ। तो इस तरह की रोड ट्रिप में जनरली लोग दिल्ली से स्टार्ट करते हैं और जम्मू या पटनी टॉप पे पहले दिन आते हैं। दूसरे दिन जम्मू पटनी टॉप से निकल के हम जाते हैं श्रीनगर, श्रीनगर में नाइट स्टे करते हैं, थोड़ा बहुत लोकल साइट सीइंग कर लेते हैं, डल लेक पे शिकारा राइड कर सकते हो, मार्केट विजिट कर सकते हो। तीसरे दिन आप श्रीनगर से स्टार्ट करिए, सुबह सुबह अपना सोनमर्ग जाइए, वहाँ पे थोड़ा चाय नाश्ता कर सकते हैं, महंगा मिलता है सब कुछ क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। फिर वहाँ से जुजिला पास की चढ़ाई स्टार्ट होगी, वो पार करते कराते आप जाएंगे द्रास, जहाँ पे जाके आप लंच कर सकते हो। अली ढाबा है जहाँ पे आप राजमा चावल खा सकते हो अगर आप वेजिटेरियन है, वहाँ पे मीट चावल भी मिलता है अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, तो काफ़ी फेमस है। जैसे ही आप द्रास को पार करेंगे तो कारगिल वॉर मेमोरियल आएगा, डिफरेंट तरह की फीलिंग, एक पेट्रियोटिक फीलिंग अंदर से आंखें भर देने वाली फीलिंग जो है वो आपको वहाँ पे मिलेगी। कारगिल का वॉर मेमोरियल देखने के बाद में शाम तक आप कारगिल में जाके तीसरे दिन अपनी नाइट बिता सकते हैं, इससे आप एक्लिमेटाइज भी होंगे। चौथे दिन आप कारगिल से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और अपना दोनों पासेज आएंगे, फोटुला पास, नकीला पास, वो पार करते हुए पहुंचेंगे लमायूरू। लमायूरू मोनेस्ट्री है, आप उसको विजिट करिए। वहां से मूनलैंड जो है, जिसे कहते हैं भाई चांद जैसे स्केप या लैंडस्केप दिखता है जो लमायूरू की मोनेस्ट्री है, उसमें आप खाना खा सकते हैं। और खाना खाने के बाद में आप जब नीचे उतरेंगे हाईवे पे तो जो पूरा मूनलैंड का लैंडस्केप है ना, उसके बिल्कुल पास पास से ही गुजर रही होगी आपकी गाड़ी, तो वहां पे भी आप रोक के फोटोज वगैरह खींच सकते हैं। और फिर आप पहुंचेंगे ससापोल, वही जो शाम वैली है वहां से स्टार्ट हो जाता है, तो अलची मोनेस्ट्री विजिट करना है तो वो कर सकते हैं। आगे लिकिर आएगा, लिकिर जाना है लिकिर जा सकते हैं, निमू, कॉन्फ्लुएंस, मैग्नेटिक हिल, गुरुद्वारा पत्थर साहिब, ये सब रास्ते में ही आ रहे होंगे। अगर आपको ये सारी चीजें विजिट करनी है तो कारगिल से सुबह सुबह जल्दी निकल जाइएगा। और इनफैक्ट कारगिल और लमायूरू के बीच में जब पासेस आएंगे उसकी चढ़ाई से पहले मुलबेक आएगा, जहाँ पे आप बुद्धा का रॉक कार्व स्टैचू जो है वो भी देख सकते हो। अब आप चौथे दिन जो है ले पहुंच चुके हो, अब ले में अगले दिन आपको रेस्ट करना जरूरी है। 5वें दिन आप ले में लोकल रेस्ट करिए, लोकल साइट सीइंग जो है शांति स्तूपा, सेमो कासल, ले पैलेस, ये सब आप विजिट कर सकते हैं और ले में जो रेस्टोरेंट हैं, खाना है, उसको एंजॉय कर सकते हैं। ले में जहाँ भी आपको रुकना है रुक सकते हैं, या फिर होटल गंगबा तो है ही है जो मैंने आपको बताया था। अब आपके पास में ऑप्शन जो है खुल जाते हैं, या तो आप अब यहाँ से अगर आपको पेंगोंग नुब्रा नहीं जाना है तो मेरी वाली आइटनरी फॉलो कर लो, ले से वही तिरिदो जाओ, आनले, उमलिंगला, ये सब करते हुए वापस आ जाओ, या फिर अगर आपको जो टूरिस्ट लोकेशन है वो विजिट करनी है तो भाई अगले दिन जो कि छठा दिन होगा आप जाइए नुब्रा वैली। अब नुब्रा वैली में डिपेंडिंग कि आपके पास में कितने दिन हैं, आप नुब्रा वैली में छठा दिन स्पेंड कर सकते हैं, हुंडर या दिस्कित में से कहीं भी रुक सकते हैं। अगर आपके पास में दिन ज्यादा हैं तो आप तुर्तुक विलेज जा सकते हैं, उससे अगले दिन डे ट्रिप करिए तुर्तुक विलेज का, वापस हुंडर दिस्कित में आके रुकिए। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप तुर्तुक आपके लिए ऑप्शनल डे है, तो अभी तक हम छठे दिन नुब्रा वैली में आ चुके हैं। अब 7वें दिन अगर आपने तुर्तुक नहीं कराया तो 7वां दिन हो जाएगा जिसमें आप दिस्कित हुंडर से स्टार्ट करेंगे और पेंगोंग लेक पहुंच जाएंगे। तुर्तुक कर लिया है तो ये 8वां दिन हो जाएगा आपके लिए। ऐसे ही सियाचिन बेस कैंप अगर आपको जाना है तो वो भी नुब्रा वैली में ही पड़ता है, वो सुमुर और पनामिक से आगे जाके पड़ता है, तो आप सुमुर जा सकते हो, पनामिक जा सकते हो और उससे आगे सियाचिन बेस कैंप विजिट करके पनामिक में रुक सकते हो। अगेन इसके लिए आपको एक दिन और एक्स्ट्रा चाहिए, तो अगर आप तुर्तुक और सियाचिन बेस कैंप दोनों करना चाहते हो तो 2 दिन और ऐड कर लीजिए, अदरवाइज इनको ऑप्शनल डे मान के चलते हैं। और मानते हैं कि आप जो 7वें दिन है आप पेंगोंग लेक नुब्रा वैली से पहुंच गए हो। अब भाई पेंगोंग लेक पहुंचने के बाद में आपको वापस ले जाने की जरूरत नहीं है, आप 8वें दिन पेंगोंग लेक से
सागला वाला रूट लेते हुए चुसुल सागला होते हुए हानले पहुंच सकते हो और फिर जो मेरी आइटनरी है उसको फॉलो करते हुए आ जाइए। अगर आपको और ऑफ बीट रूट करना है, आपने वो रूट ऑलरेडी पहले करा हुआ है, तो आप पैंगोंग लेक से चुसुल जा सकते हो। चुसुल से आप सागला वाला रूट ना लेके आप काकसंगला की तरफ जा सकते हो, और अगर आप काकसंगला और होरला रूट करते हुए जाओगे तो आप पहुंचोगे न्योमा, और न्योमा से फिर आप हानले की तरफ जा सकते हो और सेम आइटनरी को फॉलो कर सकते हो। ये रूट हानले के लिए काफी लंबा हो जाएगा। ये रूट तब फायदेमंद होता है अगर आपको सीधा सोमोरी जाना हो। तो इस रूट के ऊपर आप एक काकसंगला पास पार करोगे, होरला पास पार करोगे, और एक और अननेम्ड पास आता है जिसका मुझे नाम नहीं पता है, वो भी एक पास की तरह ही है, वो आप पार करोगे, और दो दो लेक्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। एक मित्पालसो लेक आपको देखने को मिलेगी और एक याइसो लेक आपको देखने को मिलेगी। तो इस पूरी ऑफबीट ट्रिप में आप और ऑफ बीट बना सकते हो अगर आप इस रूट को फॉलो करो। तो सातवें दिन आप पैंगोंग पहुंचे थे, आठवें दिन मैं मान के चलूंगा हानले पहुंचे, नौवें दिन आपने उंगलिंगला पास करा, डे ट्रिप करा और हानले पे ही रुके, दसवें दिन आप सोमोरी आ गए, और ग्यारहवें दिन आप पहुंचे सोमोरी से डायरेक्ट रूट लेते हुए अपना सोकर होते हुए सारचू। बारहवें दिन आप सारचू से स्टार्ट करेंगे और आप पहुंचेंगे अपना मनाली, जहां पे आप रिलैक्स कर सकते हो, वाइंड ऑफ कर सकते हो, और तेरहवें दिन मनाली से वापस दिल्ली। बट आपने ये जरूर देखा होगा कि इस पूरी रोड ट्रिप के अंदर अगर आप 13 दिन में कर रहे हो इसको, तो तिरीफू विलेज जो ऑफ बीट प्लेसेस थी या चो हाउस, वो मिस हो जाएगा। अगर आपको उसको करना है तो आपको सोमोरी से उसको ऐड करना पड़ेगा फिर, और सोमोरी से आप उसको ऐड करिए तिरीदो और तिरीफू को, और तिरीदो तिरीफू से आप अपना चुमाथांग होते हुए जा सकते हो सारचू। तो अगर आप एक दिन और ऐड कर लेंगे, मतलब 14 दिन की आइटनरी या 15 दिन की आइटनरी बना लेंगे बफर डे के साथ में, तो आप तिरीदो तिरीफू विलेजेस जो हैं उनको भी एंजॉय कर सकते हो इस पूरी लद्दाख ऑफ बीट सर्किट की रोड ट्रिप के साथ में। तो दोस्तों, इस तरह से आप लद्दाख की एक ऑफ बीट ट्रिप जो है वो प्लान कर सकते हो, या फिर जो मेरी ऑफ बीट ट्रिप थी जो कि मैंने सितंबर 2023 में बनाई थी उसको फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के काम आएगा तो उसके साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसका यूज़ करना ना भूलें, वहाँ मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, जुले और हिमालयाज जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें।